हेलो स्टूडेंट्स आवर क्लास 361 को आपण मानको हार्दिक अभिनंदन मु दीपक जेना आज आम एक नूतन धारा गणित आरंभ करवा जोटी कहा जाए द्विघाती समीकरण को किभली आम अति सिंपली कर मानते जो थे कि आम पे अति कष्ट मानते पाठीगणित रूप जो थोड़ा लोक आम कि द्विघाती रूप से परिप्रकाश करवा से रूप को पाठीगणित द्विघाती रूप से परिणत करवा समाधान करें से अनुसरणी टू रो बी अच्छी सी भी आम गोटे पर गोटे नंबर आरंभ करें से आम चैनल सहित समस्त जोड़ दिखाँ लाइक करूँ और शेयर करूँ। तेज देख अनुसरणी टूर बीर फास्ट क्वेश्चन कौन देती ना किसी क्वेश्चन पैटर्न देती और से क्वेश्चन पैटर्न किसी पाठ्यक्रम रूप अच्छी तुम कौन कर प्रकाश कर फास्ट क्वेश्चन हो कौन बोले गोटे संख्या अच्छी तार व्यतिक्रम समस्या जी दुई हुए तेज जी आम से संख्या को एक्स रूप देवा तेज निश्चित रूप तुम दिखाई समीकरण रूप परिप्रकाश कर से कहते हैं समीकरण रूप परिप्रकाश एक्स निर्णय कर कि खाली समीकरण तैयारी कर तेज मन कह गोटे संख्या से संख्या एक्स नियो दी तेज मुझे कह ना संख्या कहे संख्या संख्या एक्स मुझे व्यतिक्रम संख्या कहे व्यतिक्रम संख्या कहते हैं ना वन बै एक्स व्यतिक्रम मैंने प्रत्येक संख्या को कौन कहे वन बै एक्स जी पाँच व्यतिक्रम कह वन बै पाँच छर व्यतिक्रम कह वन बै छ जी सेवेन एक्स कह वन बै सेवेन अर्थात प्रत्येक संख्या को उल्टे दिव जहाँ अच्छे उल्टे दिव तार हम व्यतिक्रम मुझे कह पे तीन बै चार व्यतिक्रम चार बै तीन हम ओके बोले व्यतिक्रम अर्थ कौन बुझे बोले तेज मुझे कहि कि प्रश्न कौन दे प्रश्न अनुसार प्रश्न अनुसार कौन कह गोटे संख्या तहार व्यतिक्रम समि जदि दुई हुए तेज दीघाती समीकरण कर तेज मैंने कौन देती समीकरण जग कर तेज निश्चित मुझे कौन करें जग कर एक्स जो अच्छे एक्स कहे एक्स स्क् एक्स एक लस एक्स आसला एक एक्स हाला एक्स स्क्वे आसला एक्स एक्स हाँ एक एक के ए टू मुझे हण अच्छी एक कौन अच्छी गुण नहीं तेजी मुझे कहूँ एक्स स्क् प्लस वन इक्वल टू टू एक्स आपको जी मुझे सजेदेवि बोले एक्स स्क् प्लस वन माइनस टू एक्स इक्वल टू जीरो ये अलरेडी दीघात है कि दीघात पर आम कर्म अनुजाई सजा देगा कौन कर्म अनुजाई ना एक्स स्क् माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो ये हूँ बोले दीघाती समय एक नंबर सर दुई नंबर मतलब कौन कहूँ आसपे देखिए सेकेंड प्रश्न भी कौन देखिए ना सी दुईट क्रमिक पूर्ण संख्यार गुणफल जब कोड़े हुए तेज जब गोटा को वाई नेबा तेज दीघाती समीकरण या गोटे मन भाई कन्फ्यूज प्रेमित रहे क्रमिक पूर्ण संख्या क्या आम आलोचना करा क्रमिक पूर्ण संख्या मो पे कह तीन और चार एम दु जन कौन हमें दुटे क्रमिक संख्या मैंने तीन पर कितने आसपे ना चार आसे तेरे मुझे कहि तीन कौन कले चार आसा सर तीन एक जो कले चार तेरे निश्चित रूप आम जानपरें क्रमिक पूर्ण संख्या कौन रहा ना गोटे जदि संख्या मन वाई हुए अच्छा के निश्चित वाई प्लस वाई मुझे पाँच कही पाँच क्रमिक संख्या हम छ ठीक से भाई मतलब आम जी से बहे कौन दे गोटे वाई नु मन कर गोटे संख्या वाई क्रमिक पूर्ण संख्या संख्या अन्य क्रमिक पूर्ण संख्या लिखा कहते ना वाई प्लस वन क्लीयरली तेरे प्रश्न कौन देखिए मेन जिन प्रश्न अनुसार पे मैंने गोटे प्लस पॉइंट कौन हो डाटा कौन दे डाटा लिखिदे क्वेश्चन प्रश्न आमको कम बताइए ना से कहकर गुणफल मुझे कहीदारी वाई आ से दीघा जी गुड़ देवा बोले के आसे ना कोड़ी आसूसी तेज तुम्हें दीघाती समीकरण दिखाई किसी ना बोले आम जी गुणा कोड़ी देवा निश्चित रूप वाई स्क् प्लस वाई इक्वल टू ट्वेंटी मुझे कौन लिखा वाई स्क् प्लस वाई माइनस ट्वेंटी इक्वल जीरो ये एक दीघाती है ना बोले एक दीघात समीकरण ना अति इजी सहित कह मेन कौन से क्रमिक पूर्ण संख्या जब क्रमिक पूर्ण संख्या तुम निजे कर प्रत्येक बड़ छोट गणित को सब सिंपली छोट कर और निज डेली लाइफ यूज कर गणित यूज कर तुम फिल्ड अप्लाई कर सेकेंड नंबर जब थर्ड नंबर जी तीन नंबर क्वेश्चन बोले ना दुटे संख्यार समस्त अठर दे गुणफल दे सेवेन टू तेज गोटे संख्या जब एक्स ना तेज एक दीघा समय प्रस्तुत करें फास्ट थिंग कौन डाटा दी दैट इज भेरी इंपोर्टेंट पॉइंट तेज कहते पे दुईट संख्यार समस्ट मन कौन गोटे संख्या गोटे संख्या एक्स अन्टी के दुईट संख्यार समस्ट के
18 मु निश्चित करबे 18 माइनस 6 माने जदी दिड जाको मिसला पर 18 होची माने गरम रही तीरे संख्या 3 और 4 होची 3 को 4 मिसला पर केते होचले ना 7 होची जदी मु कोई दिजरा समस्या 7 होची जदी गोटे 3 हो ऑलरेडी केते 7 माइनस 3 हो ठीक से बोले मते भी मु तुम कोन कोची ले ना जदी गोटे संख्या x ने जी ऑलरेडी निश्चित करबे त 18 माइनस 1 सब तिमे मु कोई प्रश्न अनुसार कोन दिजले ना प्रश्न अनुसार रे कौन दीजिए ना सेमानों का रोगना पड़ा और था तो वे x मल्टीप्लिकेशन है 8 माइनस x इक्वल टू 72 बस हम कौन रोगने ना 18 x माइनस x स्क्वेयर 72 क्लियर प्ले मैं कौन वाली प्ले होने देखो 18 x माइनस x स्क्वेयर माइनस 72 इक्वल टू 0 तो मैं कौन हो जाए जब मैं माइनस x स्क्वेयर प्लस 18 x माइनस 72 इक्वल टू 0 रखिली तबे केबे भी जानते बोले फास्ट कर माने x स्क्वायर माइनस रखबे जदी माइनस वाला क्रॉस करे पहिले निश्चित तो कोन करे आमे जान छे माइनस को कोन बोले माइनस प्लस आसे निश्चित तो माइनस होने जदी हम होल ऊपर जदी बोले माइनस टू गुण देबे कहि तो बोले x स्क्वायर हे जइबो ये माइनस 18x हे जइबो ये प्लस 72 इक्वल टू 0 ये भी हमने आवश्यक दिखाते समीकरण टे बोले तो क्लियर प्ले नेक्स्ट फोन नंबर जा चार नंबर क्वेश्चन कहि कोन ना जदी गुटे संख्या आ तार वर्ग जदी समान हुए तबे से मानकर मूल्य केते तबे मु कहि पिला माने गुटे संख्या निजिबो तबे तार वर्ग हिथिबो केते समान हिथिबो ए मु कहि पिले 0 रो वर्ग सर्वथा समान तबे मु कहि पिले आ 0 पिले के दे आ 0 रो वर्ग समान तबे मु कहि पिले माने से प्रश्न कहि जदी गुटे संख्या अछि अन्य संख्या तार कोन अछि वर्ग अछि तबे निश्चित रूपे मु जदी x को x स्क्वायर कर देबी जदी 1 ला x को केते असल 1 असला जने भी देखो बेरे सर मासा जदी 0 में पके बरिया ने 0 रो वर्ग सर्वदा केते बि ने 0 इक्वल टू तबे दीटा पॉइंट ले मन रखियो मोटे हो ले 1 आ मोटे हो ले केते ना 0 क्लियर तुले तबे ने पांच नंबर कह दे छी से ना दे छी बोले s इक्वल टू n इनटू n प्लस 1 मैट अर्थात कोनी गुणन संख्या मगर समझ दे छी सेटा से s इंडिकेट कर छी बोले 120 तबे n रो मूल्य निरूपण करिया पई एक दिखाती समीकरण प्रस्तुत करू तबे मैडम कहि पारे बोले से कौन दे छी ना n रो मूल्य निरूपण करबे ती हत समझ तबे मु कहि पाइबे ना s इक्वल टू n इनटू n प्लस 1 बाय 2 रे s के दे छी बोले ना 120 दे छी ने ते मु के n इनटू n प्लस 1 डिवाइड बाय 2 ते मु कहि पाइबे निश्चित बोले ना मु n नो जदी आको मु 2 अछि बोले लॉस हर एक डिवाइडेशन है जदी क्रॉस हो ये कते छी बोले 2 2 2 4 0 अब जदी बोले n स्क्वायर प्लस n तेम निश्चित रूपे कहि पारि बिले कोन होचे ना n स्क्वायर प्लस n से कोन हो माइनस हेजु माइनस के 240 इक्वल टू 0 क्लियर ये जे बिले दिखाथि समान कार मूल्य निर्भर करबे n रे मूल्य निर्भर करबे सबटे हिची जति तमे केबे भी क्वेश्चन पैटर्न में पार्टी को देथियो जे दिखाथि समान में सबटे एग्जिस्ट होचे निज प्रेजेंट कॉन्शियस नॉलेज उपस्थापन कर जे तमे कोन आइडेंटिफाई करछो कोन डेडिकेशन करछो जे कोन नंबर देसी डाटा आ ताको जे कोन बाहर करछो ते बहुत ही सिंपल से तुम्हें बाहर जहाँ दी ताक एस्टे नॉलेज दरकार नहीं तुम देखो हर दे डिवाइडेशन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर एस रूल दे छी एस स्थापन कर एन मल्टीप्लिकेशन ले छी एन को मल्टीप्लिकेशन कर बस तैयार है ना दी है सब का पहला मैंने देखो 6 नंबर और 7 नंबर सॉरी 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर को दे छी ना किछ पॉइंट ऑफ स्केल दे छी जोड़ा के हम को छे नंबर रे ताको तुम को एक दिखाती समीकरण रूप रे रूपांतर करे बेसी प्रयास कर छी मैं प्रॉब्लम ले देखो छी ते भाई हमें देखो पिल माने प्रथम फर्स्ट थिंग दे छी मेरी वी आई नंबर में दे छी रूट x प्लस 6 x इक्वल टू 6 ओके तबे आमे को करिया बले माने ये त दिखाती समय बन नै तबे मु को करबी जदी मु रूट x रखली जदी 6 से माइनस x नै ओके बले काहे मते रूट x दरकार नै मते दरकार घाता हो तबे जदी मु रूट x को उल्टा करी प्रथम कांसेप्ट ला कर मते रूट x दरकार नै अरे मु रूट x उठे रूट x केते उठे ना जदी मा वर्ग करबी समीकरण भीतर लेफ्ट साइड जा करिया राइट साइड भीतर तबे आ मते वर्ग करबी तबे मु कहि बले ये x हे रहला नै आर जी मु कहि ए माइनस बी होल स्क्वायर सूत्र प्लेगो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी ते मु कहि 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इनटू ए इनटू बी ओके बी ते मु कहि बले एक्स इक्वल टू 6 रो वर्ग बले केते होछि 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स ओके बी एक्स मु से पढ़ लेछु ते मु कहि बले 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 12 एक्स एक्स से पढ़ लेला माइनस एक्स इक्वल टू 0 किछ सुधार है बोली तब मुझे बोले 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस
13x equal to 0. यहाँ पर इस हो जाता है continually. ये मुझे मेरे x square minus 13x plus 36 equal to 0. तेरे ये लगभग को एको दीगा थी समीकरण. क्लियर? ठीक से बढ़ गया मुझे भी. कौन बढ़ गया? ना भी आई आई कौन देची? ना मेरे डबल आई रे. ना root of x plus 9 plus 3 equal to x देची. क्लियर? ठीक तो मैं मुझे कौन बोला? ना root x plus 9 ये बोटी साइड ओके दियो. x minus 3 उड़े साइड करते. रूट आम दरकार नहीं वर्ग मूल आम दरकार नहीं ना वर्ग मूल को उभय पक्ष वर्ग कर दे उठी बोल तो हम कर बेटा x plus 9 है ना ये मतलब a minus b होल स्क्वायर ले हम कर x स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2 into a into b तो ये बोल x plus 9 equal to x स्क्वायर plus 9 minus 6x ओके बोले तो हम कर बेटा ये पास हो सके ना और ये पास हो सके ना जिन्हें देखो चुकरो ऑल इज इक्वल तो हम कर x square plus 9 minus 6x minus x minus 9 plus less कर लो minus है ना plus less कर लो minus equal to 0 तो हम कर बोले x square plus 9 ले वो देखो बोले ये plus 9 थी ना एक कर लो बोले minus 9 ये निश्चित रूप से कैंसिल है ना अब तो हमारे कौन ले बोले ना minus 6x minus 6x ये मुझे minus 7x equal to 0 ये मुझे को दिखा दी समझ लो कहे कि ना जब दिखा दी समझ में पाठ पढ़ते ले तार मेन बेसिक फॉर्मूला चला a x स्क्वायर b x प्लस c इक्वल टू 0 केबे भी a नॉट इक्वल टू 0 हुए तो b 0 ही पाए हुए तो c 0 ही पाए एटा हम c 0 किछ नाही ओके प्ले ठीक से बोल मुझे भी यदि हम आपको नजर देबा ना भी 8 नंबर देखि बोले 8 पॉइंट 2 रूट x माइनस 6 इक्वल टू 0 जदि x माइनस 2 रूट x माइनस 6 इक्वल टू 0 ए भीतर आमे x को घात स्क्वायर करिया नॉट रूट x सेते आमे रूट x को कटे पाले आमे कोन करिया पडियो तर वर्ग करिया पडियो निश्चित रूप में कोन करि दिले ना जदि मु रखिबी x माइनस 6 c इक्वल टू 2 रूट x 6 x को गुटे पार्टीशन न करली माइनस 2 दोसे कहि मतलब तिकले के वीडियो दोसा काहे कि आपण x minus 2 root x को वर्ग करनी 6 होय तो root x को वर्ग करला किंतु पिला मान जितरा a square plus b square minus 2ab करनदे से तो निश्चित रूप में b पाखरे root x रहेना से के प्रेजेंट नॉलेज यूज करो जे के भी root x करबे प्रयास करनी अर्थात मो जदी एबे आ पास रो उभय पास रो वर्ग जो कर देबे ये a minus b होल स्क्वायर हे तो कहो जी ना x square plus b square minus 2 into 6 into x बार x इक्वल टू 4 x तो मैं कोई बोल बोले x स्क्वायर प्लस 36 c माइनस 12 x माइनस 4 x इक्वल टू 0 नहीं और हमने कहीं मुझे बोला ऐसे तो मैं कोई बोले x स्क्वायर प्लस 36 c माइनस 16 x इक्वल टू 0 और तो मैं आपको सोच बोले x स्क्वायर माइनस 16 x प्लस 36 c इक्वल टू 0 ये बच बोले एक लिखा दिए सभी का क्लियर बोले एबे अनुसरण एक और डी संपूर्ण रूपे बा ए नंबर प्रत्येक पढ़े में बिट बाय बिट बुझले जति बा तुम डाउट हो छि तबे कमेंट बॉक्स लिखो तो मैं से ए नंबर में डाउट हो छि और क्लेरिफिकेशन तो कते बे निश्चित बुझि किंतु मो बुझे हुए तुम जो प्रकार बुझि सके तुम निश्चित रूपे अंडरस्टैंडिंग करथि और बुझि दियो